और आपका आज वीडियो में स्वागत और आज हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है लखनऊ वेजिटेरियन फूड टूर मलाई पान बास्केट चाट मटर मक्खन मलाई। वाओ मलाई पान पहली दफा सुन रही हूं मैं भी। देख लेते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को, उसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। उत्तर प्रदेश की राजधानी, नवाबों का शहर और अवध की शान लखनऊ में आपका स्वागत है। अवध यानी जिसका वध न हो सके, ये संस्कृत से लिया गया है। वध माने डिस्ट्रक्शन, अवध विच कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अवध का कैपिटल पहले अयोध्या था, बाद में अवध का सूबा बना। तो अवध के पहले सूबेदार शेख अब्दुल रहीम थे और उनका कैपिटल लखनऊ था। मतलब अवध पूरी जगह का नाम था। लखनऊ में हम दिन की शुरुआत करेंगे शुक्ला जी की फेमस चाय, समोसे और पकौड़ी से। वाह, कुल्हड़ चाय बनाने का तरीका कितना अच्छा था। हमने कुल्हड़ की चाय ली है और ये आ गई हमारी पकौड़ी। ये पकौड़ी सिर्फ सुबह के टाइम में मिलती है कि बाद सिर्फ सुबह सुबह बहुत ही खास था। इसमें प्याज है, पालक है और बेसन है। बहुत ही फ्रेश और क्रिस्प पकौड़ी। समोसे का शेप काफी अलग है, मतलब बाकी जगह समोसा मैंने ट्राई किया है वो बिल्कुल तिकोना होता है, ये गोल समोसा है। इसमें मसाले में अमचूर डालते हैं, अमचूर। हाँ, अमचूर खट्टा है, खटाई डालते हैं, किसी खटाई पड़ती है। और क्या क्या मसाला डालते हैं इसमें? और तो मतलब खड़ा मसाला सब आता है। अच्छा, उसको बहुत मसाला डालते हैं। तो हल्का आलू खट्टा है, इसमें अमचूर मिलाया जाता है। ये काफ़ी अलग है, हमने इलाहाबाद में भी देखा था कि वहाँ भी आलू के मसाले में अमचूर मिलाया जाता है, लेकिन तो खट्टा पन रहे हैं। कुछ आलू सादे हैं, कुछ छिलके के साथ हैं, साथ में खड़े मसाले का इस्तेमाल किया गया। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। जलेबी, हम लोग का दिनचर्या यहीं से तय हो जाती है कि आज क्या करना है। तो शाम को पार्टी में कहाँ जाना है, क्या बिजनेस पार्टी के लिए कहाँ जाते हैं लोग? किसी का रेस्टोरेंट में क्या है? बिल्कुल मलाई मार के चाय है। मलाई मार के चाय। और हम लोग की बर्थडे पार्टी जो होती है वो मॉर्निंग में ही होती है। अच्छा, सबसे बड़ी ये बात है कि जैसे लोग नाइट करते हैं, हम लोग जितना भी किसी का बर्थडे होता है, आज हमारे महेंद्र भाई का बर्थडे भी है, उसी की पार्टी इन्हीं की तरफ से। अच्छा, एक स्पेशल कल्चर महेंद्र जी को जन्म की शुभकामनाएं हैं, आज इनकी तरफ से पार्टी। खर्चा को कर रहे ये हद हमको दे दे ठाकुर, ये हद हमको दे दे ठाकुर, नहीं ये हद हमको दे दे ठाकुर, नहीं ये हद। जबरदस्त जबरदस्त, सुन लीजिए। अब कितने आदमी तो सुनिए, समझ नहीं आई मुझे वैसे। आई की चोरी घंटा छोले है, आलू है, प्याज है, हरी मिर्च है और इसके अंदर स्टफिंग है। वाह, बहुत ही क्रिस्प, मतलब हाथ लगाते ही ये टूट गया। अदर में स्टफिंग है दाल की, आलू सब्जी माइल्ड है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। कचौड़ी बहुत ही खास्ता है, अंदर दाल की स्टफिंग की गई है। कचौड़ी के अंदर दाल की स्टफिंग है, काफ़ी यूनिक, काफ़ी टेस्टी है।
आलू को छिलके के साथ बनाया था उसका अलग फ्लेवर आता है। और इस आलू में सब्जी में क्या क्या मसाले देख रहा हूँ मैं, छोले अलग हैं, आलू अलग है, ये अलग पकाते हैं? ये आलू बॉइल्ड होता है पहले। अच्छा, बॉइल्ड करने के बाद हम मसाला। पहले सब्जी ट्राई करता हूँ। पुदीना डालने से काफ़ी अच्छा फ्रेशनेस लगता है खाने में। जो आप मेरे को बता रहे थे आलू के बारे में, वो काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन में दिया है कि लाल आलू से सब्जी बनाई जाती है। जब लाल आलू नहीं होते हैं तो दूसरा शुगर फ्री आलू इस्तेमाल करते हैं और छिलके के साथ पकाया जाता है, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और ये बता रहे थे कि सारी सब्जियाँ छिलके साथ ही पकाई जानी चाहिए एक्सेप्ट कटहल। ये आलू छोला है? नहीं नहीं, आलू तो यही है। अच्छा, इसमें इसलिए थोड़ा डालते हैं, थोड़ा गाढ़ापन आ जाए, गाढ़ापन आ जाए। ये मस्त है, बहुत डिलीशियस। आप लखनऊ आए, वाकई देखे शॉप पे जरूर आए और यहाँ पे ट्राई करेंगे खासतौर पे कचौड़ी। खास अब लखनऊ के कल्चर, यहाँ की तहजीब, यहाँ की फाइन आर्ट्स, इसका आगाज़ 1775 से होता है। 1775 में लखनऊ जो था वो कोई बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, लेकिन नवाब आसिफ़ुद्दौला एक इतने अच्छे मिजाज के इंसान थे, वो चाहते थे कि उनका शहर नायाब व नादिर हो। तो उस ज़माने में जो दिल्ली में माहरीन फ़नून लतीफ़ा थे, जो एक्सपर्ट्स थे, आर्टिस्ट थे, आर्टिजन्स थे, उर्दू ही किया, वो इस बात पर फ़िक्रमंद थे कि वो कहाँ जाएंगे, उनको पेटनाइज कौन करेगा, उनकी सरपरस्ती कौन करेगा। नवाब आसिफ़ुद्दौला ने उनको दावतनामे भेजे और खिंच खिंच कर लोग यहाँ आने लगे, जिसमें शायर भी थे, डांस और म्यूज़िक से भी मुतालिक थे, खानसामा भी थे, आर्किटेक्ट्स भी थे, पेंटर्स भी थे, शायर भी थे, और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो कि अपने हुनर में माहिर थे, वो आके यहाँ आबाद होने लगे और लखनऊ की तरक्की होने लगी। अब कचौड़ी तो खा ली, अब कुछ मीठा खाया जाए। आपको ले चलते हैं राम आशा की मिठाई की दुकान पे, जो कि 1805 से यहाँ पे है, और यहाँ पे एक बहुत ही फेमस मिठाई है मलाई गिलोरी, इसको मलाई पान भी कहते हैं। ये बहुत राम आशा, तो ये है राम आशा की फेमस मलाई गिलोरी और मलाई पान। ऊपर चांदी का वर्क है और इसके अंदर स्टफिंग है, ये है मलाई की परत। इसके अंदर में शक्कर है, ड्राई फ्रूट्स है, इलायची है, पिस्ता है। क्या लगता है? पता नहीं। कैसा है? नाउ आई हैव ईटन फर्स्ट टाइम बट इट इज नाइस। नाइस एज वेल एज टेस्टी। आपने तो एक ही बार में पूरा खा गया। दिस इज सो नाइस दैट आई कैन नॉट रेसिस्ट। यू कांट रेसिस्ट। इनको इतना पसंद आया कि ये रुके ही नहीं, एक बार में पूरी मलाई की गिलोरी मलाई के पान की तरह खा गए हैं, इसको मलाई पान भी कहते हैं। जेक्स कालरा जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उन्होंने कहा रामाश्रे की बालाई की गिलोरी और टुंडे के माही तवे के कबाब जो हैं, दे शुड बी टर्म्ड एज नेशनल ट्रेजर्स। तो बचपन ही याद आ रहा था। आइए आपको लेके चलते हैं लखनऊ की सबसे पुरानी मिठाई की दुकान राम आशय। वहाँ पर मिलती है ना? हाँ, तो भैंस का दूध है, इसको तीन परात में आप देख सकते हैं, कोयले पे धीमी आंच पे उबाला जा रहा है, इससे पूरी मलाई की परत तैयार होती है। हाँ, देख रहा हूँ मैं कितने आराम से धुआं निकल रहा है पछ रही है, और बिल्कुल गाढ़ा हो जाएगा जब मलाई पूरी परत जम जाएगी, इसको हल्का ठंडा करके फिर काटेंगे इसको। गरम है अभी तो, क्या बात है। तो मलाई कट गई, तो इस थाल में मलाई को पकाया गया, उसके बाद मलाई को काटा गया तो ठंडा करके,
ये भी ऊंचा पूरा आप देख रहे थे, कंडेंस्ड मिल्क है, बहुत ही गाढ़ा दूध है जमा हुआ, लग रहा है खुरचन खाते हैं ना, खुरचन खुरचन वाला स्वाद, मलाई की परत दो मलाई की परत डलती है इसमें, इसमें क्या पूरा और ड्राई फ्रूट को कैसे दबा दबा कर जल्दी जल्दी से कर रहे हैं ना, होगा सर इतना बस टूटने का खतरा ज्यादा है, अब इसको लिया, इसको मलाई पान भी बोलते हैं, मलाई गिलोरी भी बोलते हैं, हाँ दोनों नाम है इसका, बहुत ही बढ़िया, मुझे आता है घुल गया, ज़्यादा मीठा भी नहीं है, काली का पहला स्टेप तो ये कि धो लिया इसको, उसके बाद घिस लिया, इसको धो लिया और घिस के अब ये दूध में पकेगा, दूध में वाला जाएगा इसको, दूध में उबलेगा, घी पड़ेगा, इलायची पड़ेगी, वो अलग से फिर इसको भुना जाएगा उसमें, हाँ कच्चे बनाई होगी लग रही है, मतलब जैसे लाल गाजर का हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाया जाता है, गाजर की शेप का है, ज्यादा से भुना जाएगा, वो भी समझ लिया, तो वही है, वही है, 2 किलो गाजर में 2 लीटर दूध डलेगा और 250 ग्राम शक्कर दिया गया पर लीटर का मेजरमेंट, सही से नापा जा रहा है, अब इसमें काली गाजर चली गई, अब जब तक उबाला जाएगा तब तक ये दूध पूरा सोख ना ले, है ना, सोखने के बाद चीनी पड़ जाएगी, जब चीनी सोख जाएगी उसके बाद देसी घी पड़ेगा, कैसे दूध पड़ेगा, अभी 15 मिनट इसको पकाया जाएगा साथ में, हाँ 15 मिनट बस, ठंड में मिलती है ये, ठंडी में मिलेगी और रवा को मिक्स करके किसी में डाल के तब फाड़ा जाता है, बाद में इसमें 7 किलो घी डाला जाता है, 7 किलो घी, 7 किलो घी पड़ेगा और ये 24 घंटे भुनेगी लगातार, हाँ ये घास 24 घंटे, उसके बाद, उसके बाद अब ये पक जाएगी, नीचे उतार के इसको ठंडवा के इसमें खिला दाना और इलायची डाल के रगड़ाई होगी, रगड़ाई करने के बाद फिर घी डाल के इसमें भर दिया जाए, मतलब लगभग 2 दिन लग जाते हैं इसको बनाने में, हाँ 2 दिन एक घर में, 2 दिन लग जाता है बनाने में, मिश्री काजू पिस्ता इलायची ये सब नीचे डाल के किस दिन भर दिया जाता है, बड़ा मेहनत वाला काम है, पर बड़ा शाही है यार ये तो, मतलब जो मिठाई हम लोग दुकानों में खाते हैं वो इतनी आसानी से नहीं बन के आता, उसमें काफ़ी मेहनत लगती है, तुमको इसका स्वाद देखना, अच्छा निकल, ये दूधिया बॉटम में पूरा लेयर है घी का, ये पूरा घी है, ऊपर ड्राई फ्रूट्स हैं, मुझे लग रहा है घी का फवारा जी, घी में कि मुँह में डालते ही घी का फवारा, मिश्री इलायची, ये 3 चीज़ का फ्लेवर सबसे पहले आया, तो आप देख रहे हैं ये जब बन के फाइनली ऐसी तैयार होती है, मैंने बताया ये 4 इंग्रेडिएंट से बनाई जाती है, सूजी, स्प्राउटेड वीट, उसके बाद घी और दूध, इन 4 चीज़ों को मिलाया जाता है, कम से कम 2 दिन लगते हैं इसको बनाने में, बिल्कुल जोड़ा से मिलता हुआ थोड़ा टेक्स्चर है, इसको दूधिया बोलते हैं, ये दिवाली से लेकर होली तक मिलती है, और ये है यहाँ के मेन शेफ जो इसको बनाते हैं, और बहुत ही सर बहुत अच्छा बना हुआ है, कलर कितना चेंज है, पर्पल सा हो गया, अरे ये बढ़ेगा, बस मतलब 1/2 लीटर लगभग डाल दिए आप तो, हाँ है ना, 1/2 लीटर घी गया हुआ कम से कम,
अब घी में इसको भुना जाएगा। अब ये जब भुन जाएगा तब ये पानी कम से कम 250 ग्राम पानी पी जाएगा फिर से। और पानी डालिएगा जब ये भुनेगा। हाँ हाँ। उसके बाद पानी डाला जाएगा तब लाइन पर। हलवा फाइनली तैयार हो चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट, काजू, पिस्ता और बादाम ये तीन चीज़ें डाली जाएगी। लाल गाजर का हलवा तो पूरे हिंदुस्तान में मिलता है, लेकिन काली गाजर का हलवा में देखा जाए तो यूपी में इलाहाबाद, लखनऊ इस साइड में मिलता है। आइए ट्राई करें। सबसे अच्छी बात है ज़्यादा मीठा नहीं है, लाइट है। मतलब ये नहीं कि जाके लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मीठा कुछ खा रहे हैं, लाइट है। घी का बहुत अच्छा फ्लेवर है। गाजर के हलवे में खूबी ये होना चाहिए कि जो गाजर के रगो रेशे हैं वो ज़बान पर बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये इतना अच्छा पिसा हुआ हो कि बिल्कुल एक पेस्ट हो जाए और उसमें मिठास जो है, उसकी शक्कर जो है वो भी आपको महसूस ना हो, उसकी लज्जत आपको मिले, उसकी खुशबू मिले और उसका जो रंग है वो आपको मिले। आपको अब ले चलते हैं एक और पुरानी शॉप पे जो कि 1854 से अमीनाबाद में है, नेत्राम। यहाँ पे ट्राई करेंगे इनकी फेमस कचौड़ी और गुलगुले। जलेबी टाइप भी है ना यार, तुम कुछ लोग मावा बोल रहे हैं। एक तो ये लड़ी वाली के साथ में एक साथ एक जुड़ जाती है, एक जो है इतनी मोटी मोटी बिल्कुल डंडी टाइप की बनेगी। अच्छा, और जलेबी के अलग अलग डिजाइन है जी, जो खाने वाले हैं जिसको जैसे पसंद है। स्टाइल कचौड़ी उड़द दाल भरी हुई अंदर। हाँ, फूली है। पोटैटो से पंपकिन सब्जी, बूंदी, रायता। वाओ, सूखे आलू, कद्दू, रायता, चटनी, आलू मटर, पूरी, जलेबी और गुलगुला। और ये पूरी स्टफ्ड है उड़द दाल से, ये उड़द दाल की एक परत है इसके अंदर। वाह, तो यूपी में इसको कद्दू बोला जाता है, इसको हम सीताफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीताफल। ये बड़ा कंफ्यूजन है कहीं पे, सीताफल, शरीफा, कद्दू में लोग कन्फ्यूज होते रहते हैं क्या। वाह, बहुत ही उम्दा। ये हैं सूखे आलू, इसको ट्राई करते हैं साथ में थोड़ी मीठी चटनी के। बहुत ही हल्के मसाले हैं, किसी में भी मसाला ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आलू चटनी बनाई जाती है वहाँ के छिलके के साथ, उससे और अच्छा फ्लेवर आता है सभी में। बहुत बढ़िया। ये जलेबी का एक भाई है गुलगुला, वही सेम जलेबी बैटर से बनाया गया है, लेकिन शेप तो अलग है, राउंड शेप्ड है, तो चाशनी में डूबा हुआ है। वाह, शुद्ध देसी घी में तैयार, बहुत ही क्रिस्प करारा। ये सेम फैमिली है आपकी इलाहाबाद में, आपकी शॉप कहाँ पे की है? 1854 है इलाहाबाद। सेम, ये भी 1854 है, सेम टाइम पे शुरू हुई थी लखनऊ इलाहाबाद दोनों जगह। इलाहाबाद से फिर लखनऊ आए। अब हम आ चुके हैं पुराना लखनऊ चौक गोल दरवाजा, यहाँ पे ट्राई करेंगे फेमस मक्खन मलाई। जगदीश मक्खन मलाई,
दिल्ली में इसको दौड़ के चाट कहा जाता है, बनारस में इसको मलाइयों कहते हैं, लखनऊ में मक्खन मलाई कहते हैं, निमिष कहते हैं। ये सिर्फ दूध और मलाई से बनाया जाता है और साथ में ऊपर में चांदी की वर्क है, पिस्ता है, थोड़ा इलायची है और केसर का काफ़ी अच्छा फ्लेवर है। मतलब ये उसको आप दूध की झाग भी कह सकते हैं, घुल जाता है मुंह में जाते ही ये घुल जाता है, मतलब आपके जवान पर लगते ही ये गायब, कितना हल्का होता है ये। वाह, और सिर्फ ये विंटर्स के टाइम मिलता है आपको, जाड़े के टाइम मिलेगा सुबह के टाइम पे। ये इसी का दूध है, मैंने बनारस में भी पिया था, केसरिया दूध ही बोलते हैं इसको। हाँ, लखनऊ खाने का खजाना है आपका। अच्छा, तो स्वाद आपको यहाँ मिल जाएगा, गंबजे में कहीं नहीं मिलेगा। अभी आप दिल्ली में दूध पियेंगे केसरिया दूध, 80 रुपीज का है, ओनली 80 रुपीज। यहाँ स्वाद है, स्वाद के ही हिसाब से। जगदीश जी मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो एक और दोना ट्राई कर रहे हैं, ये अलग है, इसके ऊपर मक्खन मलाई के ऊपर में रबड़ी डाली गई है। वाह, कितने तक मिलेगा ये? होली तक रहता है, होली तक रहेगा, 21 मार्च तक रहेगा। नहीं, मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा मक्खन लगा के, काफी अलग है जब उन्होंने खाया है मलाई हो या दिल्ली का। दिल्ली का आप मक्खन खाइए चांदनी चौक का, और यहाँ का खाइए, दोनों में अंतर है, ये ज्यादा अच्छा है। कानपुर में खाइए मक्खन, इलाहाबाद में खाइए मक्खन, मिलेगा, यहाँ का टेस्ट अलग होगा, बनाने का ढंग अलग। नहीं, ये ज्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छा, एक तरफ सी लग गई। हाँ, ये यही तो खासियत है, लगा कि मक्खन खाया है जिसे हम कहते हैं। अब हम आ गए हजरतगंज नवाबों की ठाट ट्राई करने रॉयल कैफे की फेमस बास्केट चाट। बास्केट चाट आई थिंक हमने देखी थी, बास्केट चाट। हाँ, देखा, याद आ गया, तो देखे याद आ गया। इधर मिलती है बास्केट चाट। मैं अभी आपको कुकरी पालक खिलाएंगे, लपेटू छोले खिलाएंगे, मिनी बास्केट खिलाएंगे और स्टफ पालक टिक्की खिलाएंगे। क्या बात, चलिए शुरू करते हैं पहले इससे, पालक पत्ता से। जी ये पालक है, उसको बेसन में डाल के फ्राई किया गया है, उसके ऊपर में दही है, सौंठ है, चटनी है, चाट मसाला है। अब क्या बना रहे हैं? अब हम आपके लिए बना रहे हैं नींबू मटर। नींबू मटर, हाँ। क्या बताशा है इसके अंदर में? आलू है इसके अंदर? आलू नहीं, इसके अंदर मटर है। अच्छा, मटर छोटाला, जो देसी मटर रहता है। अच्छा, मटर है और साथ में ऊपर दही है, चटनी है, अनारदाना है, अनारदाने हैं और चाट मसाला है। चाट मसाला है। क्या एक बार में खाना है इसको? एक बार में खाना है। और मजा रहा है तो हम सामने खड़े। वाह, आपके चाट का कोई जवाब नहीं है। थैंक यू। कोई कंपैरिजन नहीं है। ये मटर है? ये मटर है। इसमें क्या क्या मिलाते हैं इसमें आप? इसमें कुछ भी नहीं पड़ा, सिर्फ इसके भूनने की कला है इसको। यानी मीडियम आंच पे इसको भूनते रहो और जब ये फट जाए तो समझ लो पक गया। इसके अंदर थोड़ा चाट मसाला और चटनी डाल के दो, इसके अंदर कोई मसाला नहीं है। अल्टीमेट, ये लखनऊ का असली जायका है। असली जायका मटर की चाट, मटर चाट, इसको मटर ही बोलते हैं। हाँ, हालांकि है टिकिया, उसको आप मटर की टिकिया भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ से मटर बोला जाता है। इसमें दही का कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, टिक्की है, टिक्की को अंदर से कट करके दो पार्ट में कर दिया, फिर फ्राई किया, उसके अंदर छोले, उसके ऊपर छोले, चटनी, मसाला, बहुत बढ़िया। लपेटू छोले अपने में इतने स्वादिष्ट हैं। अभी और एक घंटे पकेगा, एक घंटा और पकेगा इसको पकने में। ऐसे ही बहुत स्वादिष्ट है। आप हमें खिलाइए आपकी फेमस बास्केट चाट, ठीक, जिसके लिए हम इतनी दूर से आए हैं। ठीक है, बिल्कुल खिलाता
ये आलू की टोकरी है। अच्छा, इसके अंदर लगभग 25 आइटम डालते हैं। 25 आइटम पड़ते हैं इसके अंदर, और जितने अंदर डिप में जाएंगे इसका टेस्ट जो है बदलता जाएगा। कभी आपको लपेटी छोले मिलेगा, कभी भल्ले का टेस्ट मिलेगा, कभी आलू टिक्की का टेस्ट मिलेगा। तो जितने ही आप स्पून गहराई में जाएंगे उतने ही आपका इसका टेस्ट बदलता जाता है। और लास्ट में हाजमे के लिए चटनी है, ये लास्ट में खानी है। हाँ, ये हो गया भाई साहब। ये कितनी बड़ी छोटी चाट लगी थी, इतनी बड़ी चाट हो गई है। इसमें देखें क्या क्या है, लच्छे की टोकरी है, आम का लच्छे की टोकरी, पापड़ी, बल्ले। तो अपने हाथ की बनी हुई चाट आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? कि बहुत दिनों बाद खा रहे हैं कि रोज़ खाते हैं? बास्केट फर्स्ट चांस है। फर्स्ट चांस है बास्केट जो खा रहे हैं, फर्स्ट चांस है। पहले कभी नहीं खाए? कभी नहीं खाया। लोगों को खिलाते हैं, खुद कभी नहीं खाया? नहीं खाया, आज फर्स्ट चांस है जो बास्केट चाट मैंने खाया। मतलब ये रिकॉर्ड बन गया 2019 में। 2019 में जब से मैंने बनाया कभी बास्केट चाट खाया ही नहीं। सुना था, आज लगा है कि मुझे वास्तव में बास्केट चाट अच्छी है। ये कितनी बड़ी बात है, कितने सालों से कितने लोगों को खिलाते आ रहे हैं लेकिन खुद कभी नहीं खाया। खुद नहीं खाया, आज पहली बार सुबह साहब आपके साथ में खा रहा हूँ। मैं तो मतलब ये फाइनली कह सकता हूँ कि यूपीएससी चाट पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मतलब कोई इसका कंपैरिजन, चाट की किसी कॉपी नहीं करते, खुद उसको जन्म देते, टेस्ट भरने की कोशिश करते। ऐसा नहीं किसी की कोई कॉपी कर ले, कॉपी किसी की नहीं करते। हम शाम को आएंगे तो एक से एक डिफरेंट चाट बनाते रहते हैं। लोगों को बोलते हैं कि आप मेरी मर्जी से खाओ भाई, अगर मजा ना आए तो मैं सामने खड़ा हूँ। एंड करते हैं ये उसके साथ। हाँ, इसको खाइए। ये चटनी किसी के बनाते किसी की है? ये चटनी को जो है आम है इसमें। अच्छा, अजवाइन है, मेथी है, जुसांदा है, हींग है, हेल्दी चीज़ हर है छोटी, जो चूरन के मसाले रहते हैं बिल्कुल इसमें डालते हैं। बेसिकली तो डाइजेस्टिव है जी। अभी इसको खाएंगे तो सारा हजम हो जाएगा। अभी पहले खा लिया तो इसको खाने से क्या भूख लगेगी, और बाद में खाया तो हजम में काम आएगा। हजम आए पे काम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा चाट और बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही बेहतरीन। और अगर आपको रॉयल कैफे की चाट पसंद आए तो आप 3 बार इसको बजा सकते हैं, इसका मतलब होता है एक्सेलेंट। थैंक यू, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। चलिए, शुक्रिया। एक प्लेट मटर लगा दीजिए और हमें आपके बताशे भी खिलाइए। पानी के बताशे, पानी पूरी, मतलब मटर गर्म है, अभी ताजा है, अभी ताजा है, उसके यहाँ बताशे बोलते हैं। अरे पानी पूरी, इलाहाबाद में फुल्की बोलते हैं, मुंबई में पानी पूरी, कहीं गोलगप्पा, कहीं कहीं पुचका, कहीं गुपचुप, और यहाँ बोलते हैं पानी के बताशे। हाँ, लेकिन यहाँ पे अंदर डाला जाता है मटर और इमली का पानी, इमली पुदीने का पानी। तो ये प्रोसेस है, मटर को पहले उबाला जाता है मसालों में, उसके बाद तवे पे इसको फ्राई कर रहे हैं। अब इसको टिक्की बना देंगे इसी में से, काट काट के देखें, टिक्की की शेप में काट देंगे इसको। बहुत बढ़िया, अभी सीखती रहेगी ऐसे दोनों तरफ से, करारी जब तक ना हो जाए। तो ये लखनऊ की फेमस मटर टिक्की, इसको मटर सिर्फ कहा जाता है। जैसे बनारस में टमाटर फेमस है, लखनऊ में मटर फेमस है। ये मटर की चाट है या मटर की टिक्की बोलें, इसमें सिर्फ नींबू है, धनिया है और थोड़ा करारापन के लिए एक बताशा तोड़ के डाला गया है। देखिए थोड़ा ड्राई होता है ये चाट, देखें ऊपर से कितना क्रिस्प है, ये जो है बिल्कुल अच्छे से भुना गया है। इसको टिक्की के अंदर का टेक्सचर है वो बहुत ही सॉफ्ट है, बिल्कुल स्मूथ बटर की तरह। जो दो ऊपर की परत है वो बहुत ही क्रिस्प है, तो थोड़ा आपको करारापन भी मिल रहा है, का मटर का सॉफ्टनेस भी मिल रहा है, नींबू की थोड़ी खटास, ऊपर धनिया और क्रिस्पीनेस के लिए बताशा तोड़ के डाला गया है।
अब हम ट्राई करेंगे राजा की फेमस ठंडाई जो कि यहाँ पे 1936 है। बेस इसका मेन दूध होता है और लिक्विड ये होता है चीनी का, और मसाले इसमें कम लमसम 18 मेल के, दो मौसम तीन मौसम यहाँ होते हैं, तो कुछ मसाले मौसम को देख के घटाए और बढ़ाए जाते हैं। और इसमें सफ़ेद काली मिर्च, बादाम, पिस्ता, गुलकंद, मतलब लमसम मिला के 18 चीज़ें बनाई हैं, जिसमें मौसम के हिसाब से 4 से 6 चीज़ें घटाई बढ़ाई हैं। बहुत ही उम्दा, बिल्कुल भैंस के दूध से गाढ़ा मिल्क एकदम, और उसके अंदर में केसर का बहुत ही अच्छा स्वाद है, इलायची और मसाले, बादाम। जैसे आप ताजी ठंडाई पी रहे हैं, गुलाब जल बहुत जरूरी रहता है, रोज वाटर, वो भी प्योर। अच्छा, वो समझ लीजिए ठंडाई की जान होती है। सी वाला पान आया अब। वाह, पक्का तो है, गया वाला है, मगर गया तो पका के मंगवाते हैं बनारस से कि वहीं से आता है? पका पकाया था आपके पास? अप्रैल तक मगई का पत्ता मिलता है, उसके बाद अगर अप्रैल तक मिलेगा मगई, उसके बाद में जो है जगन्नाथी आ जाएगा। जगन्नाथी को हाँ जो 12 मार्च चलता है। वाह, मकई का पत्ता खाते मुँह में घुल रहा है, बहुत ही उम्दा पान। दिस ये पर्टिकुलर पत्ता इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा ने इसका सृजन किया था, क्योंकि पूजा जो होती थी वैदिक धर्म में, उस पूजा में पत्ते का इस्तेमाल होता था, प्रकृति का इस्तेमाल होता है हम लोग की सारी वैदिक पूजा में, तो उस वैदिक पूजा में प्रकृति का इस्तेमाल करने के लिए कोई पत्ता नहीं मिलता था, जो पत्ते मिलते थे वो जमीन को स्पर्श करते थे, तो जो चीज़ अगर जमीन को स्पर्श कर ले जाएगी तो वो शुद्ध नहीं मानी जाती थी। बाकी किसी भी पेड़ का पत्ता होता था वो कहीं ना कहीं से जमीन को स्पर्श जरूर कर लेता था, तो ब्रह्मा जी ने ये पत्ता बनाया था। तो ये जो पत्ता, जो पान की खेती होती है, ये जमीन के ऊपर होती है, इसकी एक जो है ये एक आर्टिफिशियल रूप इज क्रिएटेड, और जो इसकी बेल होती है ये उस रूप में चढ़ जाती है। अगर ये पान का पत्ता जमीन को टच कर लेगा तो ये सड़ जाएगा। भाई खाना इतना डिफरेंट खाना देखना, मुंह में पानी जो है कई कई जगह पे बहुत ज्यादा है, कई कई जगह पे नॉर्मल ही रहा। वैसे मुझे सबसे अच्छी चीज ये लगी कि आज बहुत डिफरेंट फूड हम लोगों ने देखा है, हम हमेशा डिफरेंट देखते हैं। अरे नहीं, लखनऊ की अगर हम बात करें तो हाँ। जैसे हम लोगों ने पहले वीडियोस देखे जैसे टुंडे कबाब, नॉन वेज में हम लोगों ने काफी ज्यादा देखा, लेकिन आज हम लोगों ने वेज में काफी वैरायटी देखी है, और स्पेशली अगर मैं बात करूं मलाई वाले पान की या मलाई ग्लोरी की, तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैंने ऐसी कभी कोई चीज नहीं देखी। यार मैंने खुद जो है एक मलाई पान और दूसरा जो है काली गाजर का हलवा, हाँ। ये दो चीजें ऐसी है कि फर्स्ट टाइम भाई ये नाम हम सुन रहे हैं कि भाई इस तरह की भी जो है ना कोई चीज होती है। बाकी चले कचोरी, बास्केट चाट, पान, दूसरा जो हाँ, भी वो तो हाँ, पकौड़े, ये तो हम ये तो देखे हुए हैं। चाहे तो खैर वो तो एक नशा है ना हमारे लिए भी, यानी कि चाय जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसके बगैर आपका दिन जो है वो मुश्किल से गुजरता है, सर्दियों में स्पेशली अगर मैं बात करूं। और लेकिन एक चीज मैं पूछूंगी कि लास्ट टाइम पर जब मैंने ब्लॉग डाला था ना, तो उसमें जलेबी हम लोग बोलते हैं, तो लाइक मैंने कहा था कि जलेबी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि जलेबी नहीं है इसको, पता नहीं कि अब मावा बोलते हैं, कॉमेंट सेक्शन में बोला हुआ था, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जलेबी और मावा में क्या फर्क है, कि हम लोग यहाँ पर तो जलेबी ही बोलते हैं भाई। क्या नाम लेते हैं बीच में अभी वो जो जलेबी के भाई बहन भी बनाए थे, हाँ
वो भी हमारे लिए जलेबी है, बस वो थोड़ा सा नाम बदल दिया हुआ है। लेकिन हाँ ये कि रेसिपीज को काफी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो है इंडिया में ट्राई किया जाता है। जैसे बीच में हमने जो है वो दौलत की चाट भी देखी, ठीक है ना, यहाँ पे वो थोड़ी डिफरेंट है। और टेस्ट भी टेस्ट तो हर शहर का अपना अपना होता है, हर हाथ का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन चीजें जो है ना वो इसी तरह यू नो एक काफी वैरायटी बन जाती है। अच्छी लगती है फूड व्लॉग्स में कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट शहरों में जाते हो तो नो डाउट नाम जरूर चेंज होता है चीजों का, लेकिन उसके साथ साथ जो मसालों के साथ खेला जाता है ना वो भी एक डिफरेंट होता है। हाँ। अभी जैसे हम लोग उड़ीसा की सीरीज देख रहे थे तो उड़ीसा में बहुत डिफरेंट फूड है। अभी जैसे हमने लखनऊ की मतलब आज वीडियो देखी है, ये बहुत ही डिफरेंट फूड है। सो मुझे लगता है कि हर जगह की वो एक स्पेशलिटी रहती है, लेकिन मुझे लगता है कि दूध, देसी घी, बटर, ये सारी चीजें इंडिया में बहुत ही भारी मात्रा में ना यूज की जाती हैं ऑलमोस्ट हर आप कह लें कि एक फूड में। और स्पेशली अगर स्वीट्स की अगर हम बात करें उसमें देसी घी का हमें काफी ज्यादा इस्तेमाल नजर आता है। और वाकई में मुझे आज पता चला कि जो जितनी भी मिठाई की दुकानें होती हैं बहुत मेहनत होती है उनके पीछे। लाइक जो हम लोगों ने देखा जो हलवा उन्होंने बनाया उनमें क्या क्या चीजें ऐड की थी जो उन्होंने नाम लिखे शुरू में वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये कि वो उससे जो मतलब 24 घंटे जो उसको लग जाते हैं पकने में वो एक बहुत बड़ी बात है भाई। टाइम देखें अच्छी चीजें बनने में जो है ना वो टाइम लेती हैं, ठीक है ना। वो दूधिया कुछ नाम था उसका जो उन्होंने, हाँ दूधिया उसका नाम था। तो अच्छी चीजें जो है ना वो बनने में हमेशा टाइम लेती है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे भी देखें तो जब कोई ऐसी चीज जिसे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है बनने में, जैसे साग की अगर बात की जाए, ठीक है ना, वैसे तो गर्मियां सॉरी सर्दियां आ चुकी हैं, गैस चली गई हुई है, साग तो इस बार वैसे नामुमकिन सी चीज लग रही है, लेकिन वो भी अगर आपने मजे का खाना हो आपको ओवरनाइट उसे कुक करना पड़ता है। वैसे एक चीज है कि मेरा दिल कह रहा है यहाँ पर जब कभी किसी को पानी पूरी खाने जाना चाहिए पानी के बताशे देना जरा। वैसे बताशे या बताशे यहाँ पर बोला जाता है लेकिन वो मीठे होते हैं, मीठे होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, थोड़े बड़े बड़े चीनी के कुछ है ना, चीनी के बनते हैं। पहले शादियों में लोग बड़ा इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन ये एक नई चीज है। फिर मटर की चाट, हाँ। मतलब वो भी हमारे लिए एक नहीं थी यार। वो बीच में उन्होंने जब कहा टमाटर की चाट भी मिलती है तो मेरा वैसे खाना चाहती टमाटर क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मटर मुझे पसंद है बट बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। अब आकर मैं खाना शुरू हो गई हूँ बट टमाटर की चाट सुनकर तो मेरे ना मुंह में पानी आ गया था। फिर उसके बाद जो हम बात करेंगे वो जो बास्केट आलू वाली जो चाट थी रॉयल कैफे जो नाम था उनका, तो हमने अलग से पूरा एक व्लॉग देखा था। तो वो तो मुझे हम लोगों को पता है कि भाई बहुत ही मजे के बनाते होंगे। और स्पेशली मुझे इंडियन चाट की एक चीज बड़ी अच्छी लगती है कि उसमें जो दही इस्तेमाल किया जाता है ना वो बहुत थिक और यू नो उसका टेक्सचर बड़ा स्मूथ होता है, वो मुझे बहुत पसंद आता है। मुझे तो वैसे क्या नाम लेते हैं जितनी भी चीजें होती है सारी डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो मेरा दिल करता है कि कभी जो है ना जिंदगी में मौका मिले तो बंदा चाहे सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें ट्राई करे। हाँ। एक ही खाना खा के ना बार बार आप थक जाते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट जो है ना बाहर स्ट्रीट फूड मिलने चाहिए। अच्छा एक चीज में मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि वैसे आमचूर जैसे उन्होंने पहले समोसे में बोला कि आमचूर भी डालते हैं, तो मुझे नहीं वैसे पता कि अगर मैं आमचूर वाला समोसा खाऊंगी कि अगर उसमें टेस्ट आएगा तो वो मुझे कैसा लगेगा, खट्टा थोड़ा आलू लगेगा तो क्या मजा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि इसमें वैसे मैं थोड़ी कंफ्यूज हूं क्योंकि आमचूर का टेस्ट थोड़ा इस तरह से होता है। बाकी ओवरऑल मैं कहूँगी वीडियो बहुत मजे की थी, बहुत मजा आया देखने का। और लाइक मीठा था या फिर वो पूड़ी थी या समोसे थे, पकोड़े थे, चाय थी, कुछ भी था, सब कुछ बहुत डिफरेंट और मैं कहूँगी एक नए तरीके से हमारे सामने आया। आप जरूर बताइएगा आप में से किस किस ने लखनऊ के खाने जो है वो टेस्ट किए हुए हैं और कैसा फ्लेवर लगता है, ये भी जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में।